आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। इस वक्त की बड़ी खबर नरसिंहपुर जिले से आ रही है, जहां नरसिंहपुर में पदस्थ बीआरसी को ईओडब्ल्यू की टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मिली जानकारी के मुताबिक आवेदक हुसैन पठान द्वारा संचालित अटल अंजुमन स्कूल की नवीन मान्यता की सिफारिश करने हेतु अनावेदक बीआरसी नरसिंहपुर हरिओम पाठक द्वारा आवेदक मोहम्मद हुसैन पठान से 25,000 रुपये की रिश्वत मांगी है, जिसमें से 10,000 रुपये अनावेदक ने 15 फरवरी को ले लिए। रिश्वत की शेष राशि 15,000 रुपये लेते हुए आवेदक को आज रंगे हाथ ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा नरसिंहपुर से पकड़ा गया। ये पूरी कार्रवाई ईओडब्ल्यू जबलपुर की टीम द्वारा की गई, जिसमें उप पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह, विवेचक निरीक्षक मुकेश खंपरिया, निरीक्षक श्रीमती लक्ष्मी यादव, निरीक्षक स्वर्णजीत सिंह धामी, निरीक्षक श्रीमती प्रेरणा पांडे, निरीक्षक सुश्री शशिकला मस्कुले, उप निरीक्षक श्रीमती कीर्ति शुक्ला, उप निरीक्षक श्रीमती विशाखा तिवारी शामिल रहे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए विशेष संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। इस आधार पर हरिओम पाठक के विरुद्ध जो डिमांड का जो पहला प्रकरण था पीसी एक्ट का भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का, वो दर्ज किया गया और आज उन्हें यहाँ पर रंगे हाथ, या जब स्कूल में वो आए थे निरीक्षण के बहाने, उन्हें यहाँ 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। सर, इसमें कुछ और लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं? नहीं, अभी कोई नाम सामने नहीं आए, अभी केवल इनका ही नाम आया है। इन्होंने कुछ चर्चा दूसरे अधिकारियों की है रिकॉर्डिंग में, पर उनकी रिश्वत के संबंध में कोई चर्चा नहीं है।